आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लानट देखो जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल तो रहा है इनमें से कौन से फीचर्स हैं जो पैरी प्लान हमारे खाना में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो जैसे कि ये नेम रिप्रेजेंट करता है इसका वो कंसेस करते हैं हमारे कॉकरोच के अंदर तो इस तरीके से हम बात करें इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में तो सबसे स्पेशलाइज फीचर्स जो अगर हम बात करें कॉकरोच की वो है इसके अरेंजमेंट ऑफ बॉडी और ये बॉडी अरेंजमेंट होती है थ्री रीजन से जैसे कि हम बोल सकते हैं हेड रीजन थॉरक्स रीजन इनफैक्ट हम बोल सकते हैं जो लास्ट सेगमेंट होता है वो बचता है इसका एबडोम तो ये तीनों कंसिस्ट करते हैं इसके थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी अरेंजमेंट ऐसे ही अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ये बोल रहा है। तो हम बोलेंगे जैसे कि के अंदर होती है तो उसी तरीके से कॉकरोच जो रिप्रेजेंट करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को वो कंसिस्ट करता है रीजन को। ये एक्टिविटी और ये कैविटी रेंज जो होती है कॉकरोच की कंसिस्ट करती है इन डिफरेंट थ्री बॉडी टाइप्स के रेंजेस से और हम बोल सकते हैं यही रीजन होता है जिसकी वजह से तीनों डिवाइड करते हैं अपनी रीजन को तो क्योंकि यहाँ पे अंदर हम बोल सकते हैं इंक्लूड होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो डिफरेंट फंक्शन हम बोल सकते हैं परफॉर्म करते हैं कॉकरोच के डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इनफैक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट

कंसिस करता है और प्रेजेंट होता है इन दी अर्चिन्स की कैटेगरीज के अंदर तो इस तरीके से रेडल क्लीवेज उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है इनफैक्ट हम बोल सकते हैं टिपिकली ये कंसिस करता है ड्यूट्रोसोम रीजन को जैसे कि अगर हम बात करें कॉर्डेट्स रीजन की ये वहाँ पर फाउंड होता है ऐसे ही हम बोल सकते हैं एक्सक्डियंस के अंदर और इकैनोडम्स के अंदर भी उनके डिफरेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रेडियल फाउंड होता है तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये का में नहीं करता है। तो इस तरीके से ये होगा। अब अगर हम बात करें वाले की, तो ये बोल रहा है कि एन तो हम बोल सकते हैं कॉकरोच रीजन की जो बॉडी होती है एग्जोस्केलेटन की फॉर्मेशन ही करती है क्योंकि इसके अंदर तीनों टाइप की बॉडी फॉर्म होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स रन करते हैं अब जैसे कि एक्सोस्केलेटन से बॉडी बनी हुई होती है ये कंसेस करती है पूरे उसके फ्रेमिंग को इनफैक्ट हम बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर जनरेशन में और ये स्ट्रक्चर जनरेशन जो होता है कॉकरोच का वो कंपोज होता है एन एनएसिटाइल ग्लूकोसमीन से जो हेल्प करता है उसके विगर मूवमेंट्स में और उसकी बॉडी के फ्रेमिंग एक्टिविटीज में तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही होगा अब अगर हम बात करें फोर्थ वाले की तो ये बोला मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन डी जो है और हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनके डिफरेंट पार्ट्स जो अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन फिक्स होते हैं फॉर वेरियस फंक्शन एक्टिविटीज और इन फंक्शन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट करता है माउथ रीजन से एनस रीजन तक और फॉर्म करते हैं एलिमेंट्री कनाल इनफैक्ट हम अगर आगे बात करें तो सेगमेंटेड नहीं में हम बोल सकते हैं कंसिस्ट होते हैं इसके एक्सक्रीशन सिस्टम भी जिस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हो वो होगा ऑप्शन बी क्योंकि एक इनकरेक्ट फीचर बता रहा है क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर